उम्र हेलो। कितनी है आपकी? 21 साल। 21 साल। जी जी अटेम्प्ट कौन सा था ये बृहस्पति फर्स्ट ही का? फर्स्ट फर्स्ट अटेम्प्ट था। जी जीडी निकाले, मद निषेध निकाले, उसके बाद उसी में तो हमेशा उसी लाइन से जुड़े हैं। जॉब वर्दी वाला बड़ा पसंद है जी आपको। टारगेट था तो उतना करना है, चाहे 5 घंटा हम हो, 12 घंटा हम हो, 15 घंटा हम। आपने सेल्फ स्टडी किया था या कोई कोचिंग में? बहुत ज़्यादा तो क्या, लेकिन कंसेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। आप कहाँ से आया जाएगा कौन क्वेश्चन, कौन सी बुक है आपके रूम में? बस दरोगा बनने के लिए उतना ही काफ़ी है। दरोगा का क्वेश्चन बैंक कितना बड़ा रोल प्ले कर आपने सकता कोई है? नोट्स नोट्स तैयार, फिजिकल की तैयारी आपने कब से शुरू इसी आंसू और उदासी को एक आक्रोश में, एक जज्बा के साथ फिर से तैयारी शुरू कीजिए, और अंत में फिर ये पॉइंट वाइंट का चक्कर इसमें छटने का कोई रिस्क मत लीजिए। जान? एवरीवन, मेरा नाम है ब्रजेश सत्यार्थी और ऑन ड्यूटी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस इंटरव्यू सेशन में हमारे साथ अभिषेक जी हैं जो कि बिहार एसआई 1275 में फाइनल सिलेक्शन ले लिए हैं। देखिए, अभिषेक जी फिजिकल के समय में भी हमें मिले थे और वहाँ पर ये कहे थे कि हम मेरिट के बाद आपको एक इंटरव्यू देंगे और जबरदस्त अपनी स्ट्रैटेजी बताएंगे, और आज मेरिट आ चुका है और फाइनली सेलेक्ट हो चुके हैं अभिषेक जी। चलिए अभिषेक जी से बात करते हैं, इसकी पूरी जर्नी को टटोलते हैं, क्या स्ट्रैटेजी फॉलो किया था, क्या बुक लिस्ट फॉलो किया था, जो भी चीज़ें बिहार दरोगा से संबंधित वो चीज़ जानने की कोशिश करेंगे। बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन अभिषेक जी, फाइनली आपका सिलेक्शन हो गया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर का। और सबसे पहले आपको इसलिए धन्यवाद पर्सनली, जो आपने अपने चैनल ऑन ड्यूटी पे कुछ बोलने का मौका दिया है। अभिषेक जी, फिजिकल के टाइम मिले थे आप और आपसे बात भी थी और आपने छात्रों को बहुत अच्छा मैसेज भी दिया था क्या होता है फिजिकल में। कॉन्फिडेंट थे आपकी, हम आपको इंटरव्यू जरूर देंगे। जी, उतना मेंस अच्छा गया था तो कैंडिडेट को लग जाता है अपना जो किस तरह से गया है एग्ज़ाम, तो वो इतना नंबर आ रहा था जो हम कॉन्फिडेंट थे जो दोबारा आपके चैनल पे आने का मौका मिलेगा। चलिए, कहीं ना कहीं आज आप फाइनली दरोगा जी बन चुके हैं। और बताइए थोड़ा सा, क्या एजुकेशनल बैकग्राउंड रहा है? सर मैंने मैट्रिक तो बिहार बोर्ड से ही किया था, उसके बाद इंटर वो गांव के ही कॉलेज से किया था, वो साइंस से किया था, मैथ फिजिक्स वो सब, और फिर मैंने ग्रेजुएशन पटना साइंस कॉलेज से फिजिक्स ऑनर्स से किया था, जिसका सेशन 19-22 था। 19-22 में किया। हाँ उम्र लेकिन कितनी है आपकी? 21 साल। 21 साल। जी अटेम्प्ट कौन सा था ये बृहस्पति फर्स्ट का? ही फर्स्ट फर्स्ट अटेम्प्ट था। जी 21 साल की उम्र में दरोगा जी बन गए, जी जी मतलब अगला निशाना डीएसपी वाली तो नहीं है? जी बिल्कुल है। हाँ, फिर मैं आएंगे आपके चैनल पे। चलिए दुआ करेंगे कि 2 स्टार के बाद 3 स्टार लगे। उससे पहले बताइए अभिषेक जी कि यहाँ तक पहुँचे हैं, दरोगा बनना एक आसान बात नहीं होती है। भले ही आपकी ख्वाहिश अब डीएसपी के हो जाए, लेकिन जो नहीं बने हैं उसके लिए बड़ी चीज़ होती है, और वो जानना चाहते हैं कि क्या कितने उतार चढ़ाव भरा रहता है एक एस्पिरेंट का लाइफ। कभी कल जब 2-3 दिन पहले जब रिजल्ट आया था, तो उससे पहले आप एक आम इंसान थे, लेकिन अब दरोगा जी हो चुके हैं। कैसा जर्नी रहा, ये सफर जी कैसा जी कह सकते हैं दरोगा में ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, लेकिन जनरल कंपटीशन में ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं था। इससे पहले मैंने जीडी का 2 बार ट्राई किया था, रहा? एक बार मेरा हेड में छट गए थे और सेकेंड टाइम फिर जीडी का गए थे तो उसमें रनिंग नहीं हो पाया था, और फिर एक बार मद निषेध का आया था, वो कांस्टेबल का 689 पोस्ट का, तो उसमें मेरा हो गया था सिलेक्शन, बट वो एनसीएल नहीं एड। अच्छा सर, वो फिजिकल में मेरा रनिंग नहीं हो पाया था, अच्छा बस रिटेन निकला था। तो इसके बाद जस्ट इसके बाद वो दरोगा का फॉर्म आया और फर्स्ट एंड लास्ट कर दिए। मतलब जॉब वर्दी वाला बड़ा पसंद है जी आपको। हमेशा से वो उसी लाइन में, आप देखिएगा जीडी निकाले, मद निषेध निकाले, उसके बाद उसी में तो हमेशा उसी लाइन से जुड़े हैं, कहे कि वर्दी का मतलब कुछ अलग। एग्जाम हर जगह निकल रहा था। जी, एग्जाम निकल रहा था। अच्छा, कितने दिन का रहा ये सफर? कब से तैयारी शुरू कर दी थी आपने? ऐसे दरोगा की बात किया जाए तो मैं 2023 के जनवरी फरवरी से सीरियस स्टडी में आए थे, और अच्छा, इससे पहले कॉलेज था तो उधर नहीं हो पाता था उस जनरल कंपटीशन के बारे में। बाकी आपके चैनल से बहुत सारे जनरल कंपटीशन के सफल अभ्यर्थियों का इंटरव्यू देखा, देखे हाँ पूरा देखे थे, हम आप जो भी सफल कैंडिडेट है उनसे इंटरव्यू लेते थे जाके, तो वो काफ़ी मेरे जीवन में सफल रहा और हम जनरल कंपटीशन की ओर आए। बिल्कुल। कहीं ना कहीं आप जब देखते होंगे तो आपको कुछ अच्छा लगता होगा, फायदा की चीजें दिखाई देती होगी, किस प्रकार से स्ट्रेटेजी बताते होंगे लोग और उनको फॉलो करने की कोशिश करते होंगे जो एस्पिरेंट लाइफ में रहते हैं। आज आप यहाँ पर हैं, आप बताएंगे अपने छोटे भाइयों को, एस्पिरेंट्स को। सबसे पहले तो उनके लिए बताइए, जो आपके दोस्त थे, बहुत सारे मित्र थे, सीट तो 1275 ही था, बहुत किस्मत भी साथ होना चाहिए था इस जगह पर पहुंचने के लिए, और बहुत ऐसे छात्र थे जो 0.2 से और 1 नंबर से 2 नंबर से छट गए, उसके लिए क्या कहना चाहिए? भाई वो देखिए जो भी अभ्यर्थी 1275 में मेरिट शॉर्ट हुए हैं, वो कहीं ना कहीं जब से नोटिफिकेशन आया है तब से तो लगातार एग्ज़ाम के हर एक स्टेज के लिए बहुत जीतोर मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अंत में ये हुआ कि इस मेहनत का जो सुंदर सा परिणाम मिलना चाहिए था मेरिट मार्क, वो नहीं मिल पाया, तो उसके लिए तो उदासी और आंसू तो लाजमी है। बट मैं सभी साथियों और भाइयों से यही कहूँगा कि आप इसी आंसू और उदासी को एक आक्रोश में, एक जज्बा के साथ फिर से तैयारी शुरू कीजिए, और अंत में फिर ये पॉइंट वॉइंट का चक्कर इसमें छटने का कोई रिस्क मत लीजिए, और अच्छा से तैयारी करके फिर दोबारा आइए, क्योंकि फिर वैकेंसी आ ही रहा है जैसे कि आप सभी बताए हैं।
तो फिर अच्छा मौका है, आप आइए, आपका इंतजार रहेगा। आपने सेल्फ स्टडी किया था या कोई कोचिंग? जी नहीं, सेल्फ स्टडी कर पाया था, कॉलेज के कारण मैं कोचिंग नहीं ज्वाइन कर पाया था। सेल्फ स्टडी जी किया, जी जी दरोगा के लिए सेल्फ स्टडी जी जी किया, आप ही के कोई चैनल ऑनलाइन क्लास भी लिए थे क्या? ऑनलाइन क्लास लिए थे लेकिन बट पढ़ नहीं पाए थे। पढ़ नहीं पाए? जी जी पढ़ नहीं पाए थे, बस वो अपना जो बुक है वही सब फॉलो किए थे, मैं क्लास में नहीं इतना कर पाया था। अच्छा, बुक लिस्ट तो आपका पूछेंगे, लेकिन उससे पहले बताइए, स्ट्रेटजी बताइए थोड़ी सी, कि कैसे आपका रूटीन क्या रहता था पढ़ाई का? रूटीन का तो कोई ये बात नहीं है, जो भी एस्पिरेंट है वो तो अपने माहौल के, अपने सिचुएशन के, अपने टाइम के हिसाब से देखिए किस टाइम में सही है पढ़ना, और अपने आदत के हिसाब से देखिए। तो ऐसे रूटीन का कोई बात नहीं है, बस जब पढ़ाई में घंटे कर, मैटर करते थे क्या आपके पढ़ाई में, कि आज 8 घंटे ही पढ़ने? घंटे तो बिल्कुल मैटर नहीं करता था, बस एक टारगेट था तो उतना करना है, चाहे 5 घंटा हो, 12 घंटा हो, 15 घंटा हो, बस वो टारगेट कंप्लीट करना क्या है। टारगेट लेकर चलते थे? एक दिन का मैं तो नहीं कर पाया था, मैं 1 सप्ताह का एक प्लानिंग, सप्ताह का क्या प्लानिंग रहता? 1 सप्ताह में प्लानिंग वही रहता था, जो 2 से 3 दिन आगे एक्स्ट्रा पढ़ा जाए और बाकी 3 दिन बस रिवीजन किया जाए, क्या कि दरोगा स्प्रेंट तीन के दिन पढ़ा जाए, 3 दिन रिवीजन तीन किया जाए, दिन रिवीजन का, और एंजॉय किया 3 जाए। दिन में क्या पढ़ा जाए? 3 दिन में जो सिलेबस है, जो दरोगा के लिए सिलेबस है, 3 दिन उसे में बांटे तो होंगे ना, कि 3 दिन, आज आज महीने का पहला सप्ताह है तो 3 दिन, पहला दिन हिस्ट्री पॉलिटिकल ज्योग्राफी पढ़ लेते हैं, फिर अगले सप्ताह कुछ और पढ़ लेंगे कुछ और, या फिर ऐसा होता था कि 3 दिन में थोड़ा सा साइंस का भी पोर्शन देख लो, थोड़ा सा आर्ट्स का भी पोर्शन देख लो। हाँ आप वही बोल, यही बात है, जो मैं 3 दिन में अलग अलग रखता था, एक दिन आर्ट का रखता था, एक दिन साइंस पेपर रखता था, और एक दिन करेंट अफेयर और मैथ रीजनिंग रखता था, जो अच्छा। दरोगा के लिए काफ़ी ज़रूरी है, और बाकी 3 दिन में बस रिवीजन करते थे और एक दिन एंजॉय करते थे संडे को। अच्छा, तो कहीं ना कहीं ये था आपका। एक चीज़ और बताइए, कि सबसे बड़ा जो कॉन्सर्न रहता है बिहार दरोगा के छात्रों का, वो बुक को लेकर रहता है। बुक लिस्ट आपके रूम में, जब हम आए आपके रूम में आपका इंटरव्यू करने के लिए आए, तो देखे कि बहुत कम बुक थी, बुक ज़्यादा नहीं थी। एक दरोगा बन जाता है लड़का, और उसके रूम में कुछ गिनी चुनी 2-4 किताबें रखी हुई है, मतलब वो बहुत ज़्यादा विश्लेषण करने के बाद ही वो बुक लाया होगा। कौन कौन सी बुक है आपके रूम में? जी मैंने वो 6th 10th का साइंस एनसीईआरटी का रखा हूँ और पढ़ा भी हूँ, और इसके बाद 9th 10th 11th 12th का हिस्ट्री और ज्योग्राफी पढ़ा हूँ, और इसके बाद लुसेंट और घटनाचक्र, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, और करेंट के लिए बस एसपीडी और गौरव सर का जो वीडियो आता है डेली, वो कुछ भी नहीं, और मैथ रीजनिंग तो मेंस के लिए काफ़ी ज़रूरी है वो। अच्छा, दरोगा का क्वेश्चन बैंक कितना बड़ा रोल प्ले करता बहुत बहुत, किसी भी एग्ज़ाम के लिए भाई आप उठा के देख लीजिए, किसी भी एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन बैंक काफ़ी महत्वपूर्ण है, बिना आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं जो कैसा पैटर्न, तो क्वेश्चन बैंक काफ़ी ज़रूरी है। क्वेश्चन बैंक? आपने लिया था? जी जी बिल्कुल लिया था, किसका वो लिया? ज्ञान बिंदु का लिए थे, तो आप उसका विश्लेषण पूरा देखे थे, विश्लेषण कैसा है उस बुक? जबरदस्त जबरदस्त है, उससे बढ़िया बुक नहीं है ज्ञान बिंदु का बुक, क्वेश्चन बैंक। कितना, अगर देखे तो 100 में से कितने मार्क्स का वेटेज रहता है क्वेश्चन बैंक से? 60 to 70 सिक्स टू मेंस, सिक्स हाँ मेंस का 60 to 70 हाँ रहता है पीछे ही, बस वो 30 नंबर 30 क्वेश्चन एक्स्ट्रा रहता है, लेकिन 60 to 70 क्वेश्चन रहता है क्वेश्चन बैंक से, कहीं ना कहीं विश्लेषण या उससे रिलेटेड क्वेश्चन बैंक से। हाँ एनसीईआरटी कहा आपने, 6 to 10th साइंस का, साइंस जी का, जी जी और बाकी 9th से 12th हिस्ट्री और ज्योग्राफी का पढ़े थे। पढ़े थे, और इसके बाद आपने लूसेंट क्विक बुक के लिए लिया था रिवीजन के जी लिए। जी वो तो बहुत ज़रूरी है क्या उसमें। आपने कोई नोट्स तैयार किए? जी नहीं मैं नहीं कर पाया था, नोट्स बहुत नहीं तैयार कर नहीं, पाए? बहुत कम समय मिला था ना, उसमें कैसे कर, 6 7 महीना में कैसे नोट्स बना सके, तो बस बुक को ही रिवीजन और उसी पे हाईलाइट करके रखे थे। बस 6 महीने की तैयारी रही है, हाँ ये नोटिफिकेशन से पहले 6 महीने की क्योंकि बस आपने तैयारी। एनसीईआरटी भी पढ़ना शुरू किया जनवरी में, दरोगा की तैयारी सोची तब, या उससे पहले से हाँ पढ़ रहे साइंस के लिए बस एनसीईआरटी उसी टाइम डिवाइड किए हुए थे, बस 6 to 10th पढ़ना है, उससे कुछ ज़्यादा नहीं, हैं? और बाकी उधर हिस्ट्री और ज्योग्राफी के लिए भी चल रहा था। मतलब सारा कुछ 6 महीना में ही आपने खत्म किया, तो नोट्स बनाने का मौका मिला नहीं? अच्छा, किसी का नोट्स वोट्स भी लिया था क्या? जी नहीं मैंने ले पाया था ऐसा नोट्स किसी नहीं। तो ये सब, इतनी सारी चीजें हो गई, इतनी जी सारी बस चीजें। बस दरोगा बनने के लिए उतना ही काफी है, बस एक ही बार पढ़ते रहिए, एक ही चीज को लगातार पढ़े, ज्यादा नोट्स के चक्कर में मत रहिए, मैं तो इतना ही फॉलो किया था इसीलिए उसी को मैंने बढ़ता देखा था। आपके कमरे में कि बस कुछ ही किताब रखे हुए हैं, दरोगा के लड़के बड़ा ढूंढते रहते हैं कि क्या है नहीं। हाँ अब मैं कुछ भी बोल दूँ, बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, वो पढ़िए वो पढ़िए वो पढ़िए, लेकिन जो वास्तविक है वही है, वो इसी में बस थोड़ा सा निकल। बताइए टेस्ट के बारे में, टेस्ट सीरीज बड़ा रोल प्ले करता है, टेस्ट कौन कौन सा लगाया था आपने, और टेस्ट देने का क्या सही तरीका है? टेस्ट कौन कौन सा लगाया था आपने, और टेस्ट देने का क्या सही तरीका है? टेस्ट सीरीज मैंने वो ज्ञान बिंदु का जो आता है एग्जाम से पहले 20 सेट का आता है, तो 2 लेवल आया था, तो दोनों लेवल मैंने कंप्लीट किया था, तो वही मेंस में भी काम आ गया, और बाकी आप सही जगह देख सकते हैं, आप भी एस्पिरेंट हैं आप भी तो कुछ। क्या आपने दूसरा भी कोई मार्केट का टेस्ट देखा था? जी नहीं मैं दूसरा नहीं देख पाया दूसरा था, नहीं नहीं देखा? ज्ञान बिंदु का टेस्ट दिया था और कुछ नहीं देख पाया था।
इसके बाद टेस्ट दे दिया आपने, टेस्ट को कैसे सही से एनालाइज करें, कैसे क्वेश्चन जो छूट जाते हैं कहते हैं उसका एनालिसिस बड़ा मायने रखता है, टेस्ट देना ही सही बड़ी बात नहीं है, उसका एनालिसिस करना ये चीज़ों को कवर करता है, वो कैसे? देखिए टेस्ट अगर देखा जाए तो एक सप्ताह में 5 दिन टेस्ट लगा दीजिए, उसके बाद 2 दिन बचता है उस 5ों सेट का एनालाइज कीजिए, 2 दिन पक्का कीजिए, नहीं कीजिएगा तो पांच उसका जो दिन सेट लगा लीजिए, जी एक उसको कुछ नहीं करिए, लगा के रख हाँ दीजिए। लगा के रख दीजिए, और शाम में कभी मौका मिले और भी सब्जेक्ट रहता है पढ़ने के लिए तो इसीलिए, बाकी आपका टाइम है तो आप देख सकते हैं, लेकिन लास्ट का सैटरडे संडे जो है उसमें 5ों सेट का बहुत अच्छा से एनालाइज कीजिए, आपका ये रूटीन रहता ये था? रूटीन रहता था। और सारा दरोगा निकालने के लिए तो सबसे ज़्यादा जरूरी रिवीजन ही है, बहुत रिवीजन, करेंट अफेयर्स के लिए प्रीलिम्स एग्जाम की बात करें तो आपने बताया गौरव सर की गौरव क्लास, सर का क्लास और स्पीड का जो आता है मैं मेंस एग्जाम की तरफ बढ़ जाते हैं, और मेंस के लिए जो रीजनिंग और मैथ होती है उसका जो वेटेज होता है क्या उसके लिए बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत है? देखिए बहुत ज़्यादा तो क्या, लेकिन कंसेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, आप कहाँ से आया जाएगा क्वेश्चन तो उसके लिए कंसेप्ट करना क्लियर करना जरूरी है, आप किसी टीचर का सहारा या यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं मैथ रीजनिंग के लिए, जो मेंस में मेरिट बनाने के लिए बहुत काम आएगा। और फिजिकल की तैयारी आपने कब से शुरू किया? फिजिकल की तैयारी मैंने मेंस एग्जाम देने के जस्ट बाद, रिजल्ट से पहले ही एग्जाम के बाद, जीडी यूडी का तैयारी करते थे, ज़्यादा दिक्कत हुआ नहीं? टाइम हो गया था ना तो दिक्कत तो नहीं हुआ, फिर भी तैयारी करना क्या था। फिजिकल के लिए आपने कोई एकेडमी ज्वाइन किया था, खुद से किया जी 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 गुरु जी फिजिकल एकेडमी, था? अच्छा, नाम और विश्वास गुरु जी फिजिकल एकेडमी, गुरु उसी जी के में पास। जी जी उसी के पास फिजिकल चलिए, एकेडमी। फिजिकल भी हो गया फाइनली, और आज मेरिट भी है और आज दरोगा जी भी है, बहुत शुक्रिया भाई। बहुत बहुत धन्यवाद सर देखिए, अभी आपका। हमारे साथ अभिषेक जी थे और बताया सिंपल सी स्ट्रेटजी बताई कि क्या करना, सभी अलग अलग बताते हैं, लेकिन अभिषेक जी का एक चीज़ अच्छा लगा कि बहुत कम मटेरियल, बहुत कम रिसोर्सेज के साथ जा रहे हैं। बाकी आपको सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा जरूर, मिलेंगे आपसे बहुत जल्द ऑन ड्यूटी कर। जय हिंद।